हेलो एवरीवन, आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। सो योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन के चैनल पर अब से आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की वीकली इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। तो एवरी संडे 7 PM पर हमारी एक वीडियो लॉन्च होगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से रिलेटेड। देखिए, जितनी भी वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आउट होती हैं सबको कवर करना वन वीडियोज़ में कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन येस, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू आप ये बहुत सारी वैकेंसीज़ को एक ही वीडियो में कवर कर सकते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो कि कौन सी वैकेंसीज है जो अपकमिंग वीक में ओपन है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर को। एंड यस, वीडियो थोड़ी सी लेंथी जा सकती है, लेकिन लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसके रिगार्डिंग हम कवर करेंगे। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फ्रंट पेज है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का, एंड यहाँ पर आपको मल्टीपल वैकेंसीज हैं जो देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है जो कि मेंशन किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स एंड जॉब नोटिफिकेशन मिलेगी न्यूज़पेपर में। जैसे कि यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एप्लीकेशंस ओपन हैं, एम्स की तरफ से एप्लीकेशंस ओपन हैं, नॉन फैकल्टी के, जिसकी लास्ट डेट है 16th October। इसके रिगार्डिंग हमने अपनी अप्लाई किया क्या वाली वीडियो में भी मैंशन किया है कि इसकी जो डेडलाइन है वो नेक्स्ट वीक आ चुकी है, अपकमिंग वीक में। वैसे ही एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से भी यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं, यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NTPC की तरफ से वैकेंसीज ओपन की गई हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की, जिसकी रिगार्डिंग हमारी वीडियो भी आप देख सकते हैं चैनल पर। एंड कुछ एडमिशन रिलेटेड वीडियोज़ भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे PhD और मास्टर्स इन रिसर्च से रिलेटेड जो एडमिशन प्रोग्राम्स हैं वो IIT Delhi की तरफ से यहाँ पर मैंशन किए गए हैं, एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं। एंड जैसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की तरफ से यहाँ वैकेंसीज आउट की गई हैं, एनालिस्ट की वैकेंसीज हैं यहाँ पर, साइंटिस्ट वैकेंसीज हैं, ये आउट की गई है। जो भी आपको वैकेंसीज ठीक लगती हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, जो भी यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं उसी को कंटिन्यू किया गया है नेक्स्ट पेज पर। फुल इंफॉर्मेशन, फुल डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं इन वैकेंसीज से रिलेटेड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस न्यूज़पेपर का, जो भी वैकेंसीज आपको ठीक लगती हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो वैकेंसीज यहाँ पर निकली है, पॉलीमर साइंस इंजीनियरिंग की ये वैकेंसीज है। देखिए, मास्टर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगी, ग्रेजुएशन भी रिक्वायर्ड है मास्टर्स, तो इन पोजिशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से यहाँ पर एप्लीकेशंस यहाँ पर ओपन किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, वेबसाइट डिटेल्स भी आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है एंड वेबसाइट पर जाकर पोजीशन को चेकआउट भी कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल ऑफ भटिंडा कैंट की तरफ से जाओ, यहाँ पर हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की जो पोजीशन है वो आउट की गई हैं। ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर की तरफ से यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड आर्टिकल मिला है यहाँ पर, तो वॉक इन इंटरव्यूज रहेंगे नवंबर में। तो इन पोजीशंस के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गिव द इंटरव्यू हियर। यहाँ पर नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, सो यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं जिनके रिगार्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे UPSC की तरफ से एडवर्टीजमेंट को बताया गया है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं मल्टीपल पोजीशंस से रिलेटेड। एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से वैकेंसी का नोटिस है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की यहाँ पोस्ट निकली हुई है। एंड यस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर की तरफ से यहाँ पर पोजीशंस आउट हैं मल्टीपल, तो इन पोजीशंस के लिए इंटरेस्टेड अप्लाई कर सकते हैं। फुल डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पर यहाँ पर मैंशन की गई है। ICMR की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। वैकेंसी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। देखिए, आपको सिर्फ चेक करना है कि जैसे एम्स कल्याणी की तरफ से वैकेंसीज है, इसके रिगार्डिंग बहुत टाइम से हमारी वीडियो चल रही है, चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। एंड यहाँ पर अकाउंट्स ऑफिसर अकाउंटेंट की पोजीशंस आउट की गई हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। एम्स भोपाल की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं, टोटल 233 वैकेंसीज हैं
एंड ये ग्रुप सी की नॉन फैकल्टी की वैकेंसीज हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। सोशल वर्कर की है, ऑफिसर्स की है, ऑपरेटर्स की है, कलर की वैकेंसीज है, मल्टीपल वैकेंसीज हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 30th अक्टूबर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर एडवर्टीजमेंट लॉन्च हुई है, इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से यहाँ पे पोस्ट किया गया है, गो थ्रू कर सकते हैं इन सभी डिटेल से। एंड्रयू यूल कंपनी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर एडवर्टीजमेंट को प्रपोज किया गया है। ये यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है कंपनी की तरफ से, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है। मल्टीपल इंजीनियरिंग रिलेटेड पोजीशंस हैं जो कि यहाँ पर आउट हैं, एंड नेक्स्ट ये पोजीशंस और आउट हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप से रिलेटेड जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पुणे में ये पोस्ट निकली है, कंप्लीट डिटेल्स यहाँ मेंशन की गई हैं। एप्लीकेशंस इनवाइटेड है 3 पोस्ट के लिए, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर से रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी से रिलेटेड यहाँ पर एडवर्टीजमेंट निकाली हुई है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं डिटेल्स। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी आउट है, असिस्टेंट डायरेक्टर की 1 वैकेंसी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से यहाँ पर इन्विटेशंस अलाउड हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस अलाउड हैं। सो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप इन पोजीशंस के लिए, जो कि क्लियरली मेंशन किए गए हैं। फुल डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। ये देखिए उसी को कंटिन्यू किया गया है, कभी कभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पूरी एक पोजीशन को ही कंटिन्यू कर देते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट किया गया है, 1 प्रोफेसर की पोस्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, चेकआउट कर सकते हैं इसे। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज निकाली हुई है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स हैं उत्तर प्रदेश रीजन में। यहाँ पर मल्टीपल एडवर्टीजमेंट है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिसके बारे में इन्फॉर्म किया गया है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की तरफ से यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस अलाउड है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट का मेंशन किया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग की तरफ से यहाँ पर एप्लीकेशन अलाउड है, एंड यस 1 पोस्ट निकली है यहाँ पर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन ऑफिसर की। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट को फॉर द मोर डिटेल्स। यहाँ पर सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा। एम्स बिलासपुर की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की भी हैं, साइकोलॉजिस्ट रिलेटेड वैकेंसीज है, चेकआउट कर सकते हैं। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इन पोजीशंस के लिए। यहाँ पर भी वैकेंसीज को आउट किया गया है, मल्टीपल वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी इन पोजीशंस की। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की तरफ से इंटरव्यू किस पोजीशन के लिए, सीनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन के लिए यहाँ आउट है। यहाँ पर भी दिल्ली रीजन में अलाउट किया गया है, यहाँ पर टोटल 275 वैकेंसीज को आउट किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे, चेकआउट कीजिए वेबसाइट, वेबसाइट को चेकआउट करना है अब आपको इसके लिए। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर की तरफ से यहाँ वैकेंसी आउट की गई है, 1 पोस्ट है टोटल, एंड यस स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एडवर्टीजमेंट नोटिस यहाँ पर निकाला गया है, एप्लीकेशन अलाउड है, चेकआउट कीजिए फॉर द मोर डिटेल्स। यहाँ पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट है, 2 अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, 1 यहाँ पर मिलेगी, 1 1 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज हैं टोटल। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट्स क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर वैकेंसीज को आउट किया गया है। देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ही देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना है कि क्या ये एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट नोटिस है, लास्ट डेट क्या है, क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना है, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज आउट है, इसकी रिगार्डिंग आप हमारे चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस कीजिए, कितनी वैकेंसी है, पोस्ट क्या है, क्या इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसीज है, इन पर आपको फोकस करना है और चेकआउट करनी है आपको टोटली ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, डायरेक्टली गूगल करना ही नहीं। रिक्रूटमेंट्स देखिए यहाँ पर भी मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स अलाउड है, टोटल वैकेंसीज यहाँ पर निकाली हुई हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, यहाँ पर भी एक और दोबारा से वैकेंसीज निकाली हुई है 8 पोस्ट के लिए। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, यहाँ पर वैकेंसी निकली है, लाइब्रेरियन की वैकेंसीज है, यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसीज को कवर किया गया है यहाँ पर, वैकेंसी नोटिस। जिस भी वैकेंसी के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं डिटेल्स को। ओडिशा की यहाँ पे वैकेंसी आउट की गई है, यहाँ पे डीआरडीओ से रिलेटेड यहाँ पर नोटिस आउट किया गया है, चेकआउट कर सकते हैं। सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम, यहाँ पर एप्लीकेशंस इनवाइटेड है। जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर जूनियर रिसर्च की इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यस, यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस, फिर से रिक्रूटमेंट नोटिस मेंशन किया हुआ है, तो इन पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मेन फोकस कीजिए ऑर्गेनाइजेशन पर, ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करना है। रिक्रूटमेंट है, साइंटिस्ट बी की पोस्ट जैसे कि यहाँ पर निकली है, बस आपको पोजीशंस के लिए फिर चेकआउट करनी है। इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कीजिए, अप्लाई स्टूडेंट्स करते रहते हैं, रिटर्न एग्जाम होता है या इंटरव्यूज होते हैं, उसके बिहाफ पर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज आउट की गई हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में है ये वैकेंसीज। नोटिफिकेशन क्लियरली आउट की गई है, फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पर आउट की गई है इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसीज हैं उसके लिए आउट किया गया है। तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलेंगी, जैसे एम्स नागपुर में वैकेंसीज को आउट किया गया है। एम्स से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं 2 मंथ्स में, चेकआउट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने के लिए जरूर मिलेंगी। देखिए वीडियो को थोड़ा सा बड़ी जा सकती है, बिकॉज कंप्लीट नोट देख सकते हैं, जैसे 56 पेपर वो पेजेस हैं, तो 56 पेजेस का ये न्यूज़पेपर है। मल्टीपल वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, जिस भी वैकेंसी में आप इंटरेस्टेड हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस बहुत मिलेंगे ग्रुप बी सी की पोस्ट के लिए, जिस तरीके से यहाँ पर है, तो गो थ्रू कर सकते हैं आप इन्हें। जैसे यहाँ पर वैकेंसीज बहुत निकाली हुई हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से, गवर्नमेंट वैकेंसीज जितनी भी आउट है, चाहे वह 1 पोस्ट है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 20, 30, 40 जितनी भी वैकेंसीज हैं, 100+ वैकेंसीज हैं, सब यहाँ पर मेंशन की गई है। एप्लीकेशन इनवाइटेड अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, या फिर कोई भी कोई एंट्रेंस एग्जाम है या कोई वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग सारी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन की गई हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर एनटीपीसी की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई हैं इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज, तो जो भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं, इवन चेकआउट कर सकते हैं हमारी कंप्लीट वीडियो को चैनल पर। कर्मचारी राज्य बीमा की तरफ से जो वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर वैकेंसीज को आउट किया गया है, यहाँ पर NITTR की भी तरफ से वैकेंसीज को आउट किया गया है। इसके रिगार्डिंग हमने इंट्रोड्यूस भी किया है स्टूडेंट्स को, जैसे कि ये है भोपाल से रिलेटेड, चेन्नई में निकली है, चंडीगढ़ में निकली है NITTR की तरफ से वैकेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन को चेक कर सकते हैं आप। जैसे DRDO की यहाँ पे साइंटिस्ट DNC की वैकेंसीज निकली हैं, इसे चेकआउट कर सकते हैं आप, यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। ये वैकेंसीज है सेंट्रल काउंसिल ऑफ फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज की तरफ से, यहाँ पर फिलिंग अप द पोस्ट फॉर अकाउंटेंट, इस तरीके से आपको चेक करना है यहाँ पर क्लियरली जो चीज़ें मेंशन की गई हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आप चेकआउट कर सकते हैं कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर, यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज को आउट किया गया, आप चेकआउट कर सकते हैं इन वीडियोज़ को। SJVN की तरफ से जो इंट्रोड्यूस की गई हैं वैकेंसीज, टोटल 16 वैकेंसीज यहाँ आउट है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं सभी पोजीशंस के लिए। एम्स रायबरेली की तरफ से वैकेंसी आउट है, यहाँ पर इस पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप। और वैकेंसी के साथ साथ आपको लास्ट डेट पर जरूर फोकस करना है। देखिए फुल नोटिफिकेशन यहाँ प्रोवाइडेड, अब यहाँ सैनिक स्कूल की नैनीताल की तरफ से जो वैकेंसीज है यहाँ पर वो प्रोवाइड है। TGT इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो आपको बस रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पर फोकस करना है, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर पोजीशन। जैसे कंसल्टेंट की पोजीशन, एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड यहाँ वैकेंसी आउट है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
मल्टीपल वैकेंसीज मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स जो भी हैं यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये कंप्लीट प्रोवाइड किया गया है, ये लास्ट पेज है जिसमें सिर्फ नॉर्मल आर्टिकल्स ही प्रिंट किए गए हैं जिसे आप रीड भी कर सकते हैं। सो एट लास्ट आपको मैं यही इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि हर एक नोटिफिकेशन से गो थ्रू ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो मिस भी हो जाती है स्टूडेंट्स से। देखिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हर एक नोटिफिकेशन से गो थ्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। येस ऑफकोर्स आप हर पोजिशन के लिए अप्लाई नहीं करोगे, लेकिन गो थ्रू होगे तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या मुझे इस पोजिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट हैं तब भी नोटिफिकेशन से गो थ्रू हुई ताकि आपको पता हो कि फ्यूचर में अगर आपको एक पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको गो थ्रू करनी होंगी। देखिए कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि मास्टर्स करें या ना करें, किस फील्ड में करनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो जब आप जॉब नोटिफिकेशन से गो थ्रू करते तब आपको पता होता है कि चलो अच्छा इस जॉब के लिए एक पर्टिकुलर ये वैकेंसीज आउट हैं या फिर इतनी वैकेंसीज आउट होती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, क्राइटेरिया ये होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होती है। तो आप अपने CV को, अपने जो करियर की ग्रोथ है या फिर अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको एक डायरेक्शन में रख सकते हैं। क्वालिफिकेशन का डायरेक्शन में होना भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता हो कि अगर एक पर्टिकुलर जॉब आपका एम है तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड रहेंगी। तो गो थ्रू कीजिए हर एक जॉब नोटिफिकेशन से जो हम लेकर आते हैं। एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन YouTube एंड फॉलो अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। थैंक यू।